जय हिंद, जय भारत। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। Myself भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज्ड हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, मैं 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम के सभी स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स इन 25 आवर्स चैलेंज की सुपर सीरीज लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं अकाउंट के पार्ट वन और पार्ट टू के सभी चैप्टर्स को ए टू जेड, यानी कि छोटे से छोटे पॉइंट जो कि आपको एमसीक्यू में काम लग सकते हैं, वहां से लेके फुल फ्लेज सम की प्रैक्टिस मैं परफेक्ट लेवल पे करवाने वाला हूं। और अगर इस सीरीज के सारे सेशंस को सिर्फ 25 आवर्स निकाल के आप लोग करते हो, तो आप लोग भी बोर्ड में अकाउंट में 100 out of 100 या उसके काफी नजदीक का रिजल्ट लाके ऐसे ही बल्ले बल्ले कर सकते हो। तो आप इन सीरीज के सभी सेशंस को जरूर देखें और आपके जितने भी फ्रेंड्स 12th कॉमर्स में है उन सब के साथ इस पूरी सीरीज को जरूर से शेयर करें। देखो दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग कवर करने वाले हमारा चैप्टर अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, जो कि हमारे पार्ट टू का सेकंड चैप्टर है। और इस चैप्टर में से आपको बोर्ड में सेक्शन ए में एमसीक्यू, सेक्शन बी में वीएसक्यू और सेक्शन सी में 3 mark के क्वेश्चन आते हैं। और इस चैप्टर को हम लोग 3 parts में कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक्स होंगे और इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज होगी जिसके बेस के ऊपर एग्जांपल्स आ सकते हैं। देन दूसरे 2 sessions में एक कैटेगरी में कुछ जो टाइप का एग्जांपल है वो कवर करेंगे और बाकी की कुछ टाइप्स है जो कि हम 3rd session में कवर करेंगे। और इन 3 sessions में आपका पूरा चैप्टर 2 कवर हो जाएगा। और एक चीज मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर दूं कि यहां पे मैं आपको अच्छे से फंडामेंटली सारी चीजों का रिवीजन करवा रहा हूं, पर अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो कि कंफ्यूजिंग लगता है और उसको और डिटेल में अच्छे से समझना है, तो उसका सेशन ऑलरेडी हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे अवेलेबल है ही, तो आप वहां से उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिफर भी कर सकते हैं अगर आपको और डिटेल में जाना है। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर की, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ डिबेंचर। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बिजनेस या कंपनी है तो उसको पैसों की जरूरत होती है। उसके सोर्स को हम 2 categories में मेन डिवाइड कर सकते हैं। तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस आर डिवाइडेड इन 2 categories। पहला होता है ओनर्स फंड, या तो इसको हम कहते हैं इक्विटी फंड, ये भी कह सकते हैं, या फिर ओनर्स फंड। और दूसरा होता है बोरोड फंड। और जो ओनर्स फंड होता है उसके अंदर 2 चीजें मेनली आती है, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि ओनर्स फंड की कैटेगरी में जाता है। प्रॉफिट प्लाविंग बैक ये भी ओनर्स फंड का ही एक पार्ट है। जबकि दूसरी कैटेगरी है बोरोड फंड, जहां पे कंपनी आउटसाइडर थर्ड पार्टी के पास से मनी बोरो करती है, जिसके अंदर एग्जांपल आते हैं लोन फ्रॉम बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बॉन्ड, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट एटसेट्रा, जिसमें से इस चैप्टर में हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं डिबेंचर के बारे में। तो याद रखना एमसीक्यू के एंगल से डिबेंचर इज बोरोड फंड एंड नॉट ओनर्स फंड, ये आपको एमसीक्यू में काम लग सकता है। तो अब हम लोग यहां पे जो हमारा डिबेंचर है उसका डेफिनेशन देखते हैं, जो कि आपको वीएसक्यू में काम लग सकता है। तो डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कैसा होगा? रिटन डॉक्यूमेंट, ऑब्वियस है कि डॉक्यूमेंट होगा, मतलब कोई लिखित में ही होगा। तो डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंफर्म्स द डेट ऑफ कंपनी। देखो ये ब्रैकेट में लिखा है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। आपको क्या याद रखना है कि डिबेंचर इज द डॉक्यूमेंट दैट कंफर्म्स द डेट ऑफ द कंपनी, डेट यानी कि लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, एंड इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट। तो ये जो डिबेंचर है वो इस तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी का डेट दिखाता है या डेट को एक्नॉलेज करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है। तो मेनली सिंपल डेफिनेशन, डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंफर्म्स द डेट ऑफ द कंपनी एंड इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट। और जो भी लोग ये डिबेंचर खरीद देते हैं, मतलब डिबेंचर लेंगे और उसके बदले में पैसे कंपनी को देते हैं, तो जो लोग भी ये डिबेंचर लेते हैं उनको कहते हैं डिबेंचर होल्डर्स।
The person who purchased this debenture is called debenture holder. And debenture holders are not the owners of the company, but they are the creditors of the company. Yaad rakhna, debenture holders are not the owners of the company. Debenture holders are the creditors of the company. एक और चीज आप लोग ध्यान रखना कि ये पूरे सेशन में जहां पे भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, ये सारे के सारे पार्ट ही आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से ही आने के चांसेस है. तो आप लोग इसको अच्छे से मीनिंग को अपने माइंड में फिट कर दो. और अब हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे, पर उससे पहले अगर आप लोगों को ये सेशन, ये सीरीज अच्छी लग रही है, इससे आपको कोई फायदा हो रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें. आपके जो कोई भी फीडबैक है, अच्छे बुरे पॉजिटिव नेगेटिव, आपको जो भी लगता है वो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और आपके जितने भी फ्रेंड्स ट्वेल्थ कॉमर्स में हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें. और कॉमर्स स्ट्रीम में आगे क्या क्या करियर ऑप्शंस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको टाइम टू टाइम चाहिए, तो आप लोग आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और स्कूल का नाम और आपकी सिटी का नाम वो इन व्हाट्सएप नंबर पे भेज के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो. तो हम लोग टाइम टू टाइम एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन कॉमर्स स्ट्रीम रिलेटेड आपको प्रोवाइड करते रहेंगे. और अगर आपको हाईटेक कॉन्सेप्चुअल एक्सीलेंट एजुकेशन अवेल करना है, तो आप आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहां पे कॉमर्स स्ट्रीम के सभी कोर्सेज के लिए एक्सीलेंट एजुकेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल है. तो आप इसे डाउनलोड कर दें, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. अब हम लोग बात करते हैं हमारे आगे के टॉपिक की, जो कि आपको इसके कुछ पॉइंट एमसीक्यू या वीएसक्यू के लिए बहुत काम लगने वाले हैं, जो कि है देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डिबेंचर. तो पहला पॉइंट तो आगे आ गया, वही है कि डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग दैट मनी इज लेंट और गिवन टू द कंपनी बाय पब्लिक, मतलब जिसने भी वो डिबेंचर खरीदा है उसने. तो ये डिबेंचर क्या करता है, कन्फर्म्स द डेट, जो कि हमने डेफिनेशन में भी देख लिया. ये चीज ध्यान रखना, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन सच डिबेंचर्स एट प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट. देखो कंपनी डिबेंचर के ऊपर क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है. अगर शेयर है तो शेयर के ऊपर कंपनी डिविडेंड पे करती है, पर डिबेंचर के ऊपर कंपनी प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर यहां पे इंटरेस्ट पे करती है. एंड दिस पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट इज कंपल्सरी फॉर कंपनी इवन इफ देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस. देखो शेयर में डिविडेंड कब पे किया जाता है, जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो ही, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो डिविडेंड नहीं पे किया जाता. बट डिबेंचर के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी को कंपल्सरी पे करना होगा, या तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कोई लेना देना नहीं है, फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. डिबेंचर्स आर नोन बाय देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लाइक 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 15% डिबेंचर, ये चीजें आपके लिए इतनी काम की नहीं है. देन अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रीपेड टू डिबेंचर होल्डर्स एट प्री डिटरमाइंड टर्म्स, मतलब जो भी टाइम के लिए डिबेंचर इश्यू किए हैं, जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होगा, वो डिबेंचर के पैसे उन डिबेंचर होल्डर्स को वापस कर दिए जाएंगे. मतलब 5 साल के डिबेंचर है तो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, जितने भी टाइम के डिबेंचर है, जैसे ही वो टर्म खत्म होगी, उसके पैसे कंपनी उन डिबेंचर होल्डर्स को वापस दे देती है. ये चीज आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू या वीएसक्यू पर्पस. तो इसको अच्छे से याद रखना, टिक मार्क भी करना या नोट डाउन कर देना, या हमारे जो पैम्पलेट है साहस स्मार्ट स्टडीज के, उसके नोट्स में ये सारी चीजें मैंने हाईलाइट की हुई है, तो पैम्पलेट आप लोग अपने पास जरूर रखना. एज पर कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी इज अलाउड टू इश्यू डिबेंचर्स having maturity date of more than 10 years, मतलब कोई भी कंपनी 10 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के डिबेंचर पब्लिक को इश्यू नहीं कर सकती. पर यहां पे एक एक्सेप्शनल पॉइंट है कि कंपनीज विच आर एंगेज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यानी कि हाईवेज बनाना है, ओवरब्रिज बनाना है, इरिगेशन का कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व कंपनीज है, सिर्फ वही कंपनी 10 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के डिबेंचर इश्यू कर सकती है. बट वो 10 साल से ज्यादा होकर मैक्सिमम कितना हो सकता है,
30 साल का, 30 साल से ज्यादा तो किसी के पास परमिशन नहीं है। तो यहां पे याद रखना कि नॉर्मली कंपनी 10 साल से ज्यादा की मैच्योरिटी वाले डिबेंचर बिल्कुल भी इश्यू नहीं कर सकती, और अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो वो 10 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के डिबेंचर इश्यू कर सकती है, बट मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी 30 सालों की। देन डिबेंचर्स कैन बी इश्यूड विद और विदाउट चार्ज ऑन असेट। चार्ज ऑन असेट का मतलब होता है यहां पे कंपनी डिबेंचर या तो अपनी किसी मिलकत को गिरवी रख के या मिलकत को गिरवी रखे बिना डिबेंचर के थ्रू पैसा कलेक्ट कर सकती है। तो यहां पे देखो चार्ज ऑन असेट का मतलब क्या होता है, मॉर्गेज करना या हाइपोथिकेशन करना, यानी कि असेट को मिलकत को गिरवी रखना, मतलब कि यहां पे कंपनी अपनी कोई मिलकत को गिरवी रख के भी या गिरवी रखे बिना भी डिबेंचर इश्यू कर सकती है। फिर ये दो पॉइंट सिर्फ नॉलेज के लिए देख लो, एमसीक्यू के लिए चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी मैंने छोटी छोटी चीजें यहां पे कवर कर ली है, क्योंकि शायद भी ऐसा है कि आपको एक मार्क का भी कुछ टफ या कॉम्प्लिकेटेड पूछना है तो मैं आपको सारी चीजें कवर करवा दूंगा कि इसके बाहर का तो कुछ पॉसिबल ना हो। तो देखो डिबेंचर्स कैन बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट, शेयर की तरह डिबेंचर भी स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट या ट्रेड हो सकते हैं। एंड डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इंटू शेयर, अगर कन्वर्टिबल डिबेंचर है तो उन डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिबेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे। देखो बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड और दूसरी असेट साइड, जो कि मैं आपको डिटेल में कंपनीज फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में यानी कि पार्ट टू के चैप्टर थ्री में कवर करने ही वाला हूं। बट यहां पे याद रखना कि जो डिबेंचर है वो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे मेन हेड होता है, नॉन करंट लायबिलिटी ये मेन हेड है, और उसके अंडर में सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो उसके अंडर में लिखा जाता है। तो डिबेंचर यहां पे बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंडर में सब हेड रहेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके नीचे ये डिबेंचर लिखे जाते हैं। क्लियर। इसके बाद याद रखना कि डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट। डिबेंचर होल्डर्स को मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजन में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। हाँ, डिबेंचर रिलेटेड जो भी मीटिंग है उसके अंदर वो वोट डाल सकते हैं, बट नॉर्मल केस में डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट, वो शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। डिबेंचर्स कैन नॉट बी फोरफिटेड, जैसे कि अगर शेयर के ऊपर कोई शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है तो कंपनी यहां पे शेयर को फोरफिट कर सकती है, पर डिबेंचर होल्डर अगर डिबेंचर के ऊपर का कोई कॉल नहीं पे कर पाता है तो यहां पे कंपनी डिबेंचर के पैसों को फोरफिट नहीं कर सकती। Then, even in the event of liquidation, liquidation मतलब जब कंपनी बंद हो जाती है, then debenture holders are paid the money before shareholders, मतलब जब कंपनी बंद हो जाती है और सब लोगों को पैसे वापस करने हैं तो शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर, ये शेयर होल्डर है और ये डिबेंचर होल्डर्स है, दोनों लाइन में खड़े हैं, तो कंपनी यहां पे पहले डिबेंचर होल्डर्स को पैसे वापस करेगी और बाद में पैसा बचा तो वो शेयर होल्डर्स को मिलता है, तो पहले पैसा मिलता है डिबेंचर होल्डर्स को। एंड डिबेंचर्स कैन बी इश्यूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। देखो शेयर में ऐसा था कि भाई डिस्काउंट पे अब इश्यू नहीं कर सकते, पर डिबेंचर कंपनी पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं, और डिबेंचर के इश्यू के टाइम पे भी कंपनी को मिनिमम 90% का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो यहां तक के पॉइंट को एक बार अच्छे से माइंड में रिफर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग 12th के बाद कॉमर्स स्ट्रीम में अच्छा प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हो, सीए या सीएस जैसे कोर्स के अंदर एक्सीलेंट नॉलेज के साथ बेहतरीन रिजल्ट लाना चाहते हो, तो साहस इंस्टीट्यूट के ऊपर बेस्ट एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे अवेलेबल है और यहाँ पे एडमिशन भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपका एडमिशन आज ही कंफर्म कराए और एक्सीलेंट नॉलेज और रिजल्ट दोनों हासिल करें। कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो आप हमारे इन दोनों नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो थर्ड टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ डिबेंचर। अब ये मेजॉरिटी लेवल पे जो प्रेफरेंस शेयर के हमने टाइप्स चैप्टर वन में डिस्कस किए थे उसके जैसा है, मेजॉरिटी 70%, बट यहां पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू वीएसक्यू के लिए, तो बहुत ही ध्यान से समझ लो इसे। तो यहां पे टोटल चार टाइप के डिबेंचर है, जिसमें से पहली टाइप है
ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी बेस के ऊपर डिबेंचर के और दो सब पार्ट होते हैं, पहला है सिक्योर्ड डिबेंचर या तो फिर मॉर्गेज डिबेंचर, देखो नाम ही है सिक्योर्ड या मॉर्गेज, मतलब जो डिबेंचर इश्यू करने के लिए कंपनी ने अपनी कोई असेट को मॉर्गेज किया होगा, सिक्योरिटी में दिया होगा यानी कि गिरवी रखा होगा। तो व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड बाय कीपिंग अ सेट ऑफ द कंपनी इन सिक्योरिटी देन इट इज कॉल्ड सिक्योर्ड डिबेंचर। आपको वन मार्क में पूछा है कि व्हाट इज सिक्योर्ड डिबेंचर, तो डिबेंचर्स व्हिच आर इश्यूड बाय कीपिंग सम असेट्स ऑफ द कंपनी इन सिक्योरिटी देन इट इज कॉल्ड सिक्योर्ड डिबेंचर। अब यहां पे जो सिक्योर्ड करते हैं यानी कि मॉर्गेज करते हैं तो वो असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट होता है, और ये जो चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा फिक्स चार्ज और दूसरा होता है फ्लोटिंग चार्ज। तो याद रखना कि फिक्स चार्ज क्या है, तो फिक्स चार्ज इन विच ओनली सम असेट, मतलब स्पेसिफिक होगा कि पर्टिकुलर प्लांट ए है या मशीनरी बी है, इस तरह के कोई स्पेसिफिक असेट को सिक्योरिटी में दिया गया होगा कि पर्टिकुलर इसी असेट को, फिक्स ये असेट है इसको हमने मॉर्गेज करके डिबेंचर इश्यू किया है, तो उसे कहेंगे फिक्स चार्ज। जबकि फ्लोटिंग चार्ज इन विच यूजुअली ऑल असेट्स ऑफ द कंपनी आर गिवन एज सिक्योरिटी। याद रखना फिक्स चार्ज मतलब कंपनी की कोई फिक्स स्पेसिफिक असेट लाइक कोई स्पेसिफिक प्लांट है या मशीनरी है उसको सिक्योरिटी में दिया होगा, जबकि फ्लोटिंग चार्ज के अंदर कंपनी की मोस्टली सभी असेट्स को, ऑल असेट्स ऑफ द कंपनी आर गिवन एज सिक्योरिटी। और अगर कंपनी यहां पे जो डिबेंचर है उसके पैसे वापस करने में फेल हो जाती है तो कंपनी ने जो भी ये मॉर्गेज असेट रखी हुई है उसको सोल्ड कर दी जाएगी यानी कि सेल कर दी जाएगी, और उसमें से जो पैसा आएगा उसमें से ये डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया जाता है। एंड डिबेंचर होल्डर्स आर पेड एज फॉलोइंग ऑर्डर, जिसमें ये नॉर्मल है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज। मॉर्गेज डिबेंचर में भी दो टाइप है, पहला फर्स्ट मॉर्गेज मतलब कोई असेट ये सेल की तो उससे जो पैसा आएंगे तो उसमें से ये फर्स्ट मॉर्गेज वालों को पहले पैसे मिलेंगे, और उसके बाद जो पैसे होंगे वो सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स को पे किए जाएंगे। हालांकि यहां तक का आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी कैटेगरी है अनसिक्योर्ड या सिंपल या नेकेड डिबेंचर। देखो सिक्योरिटी बेस के ऊपर पहला आया सिक्योर डिबेंचर और दूसरा है अनसिक्योर डिबेंचर, और उसके दूसरे नाम एमसीक्यू वीएसक्यू के लिए सिंपल या तो नेकेड डिबेंचर, मतलब जो डिबेंचर इश्यू करने के लिए कंपनी ने अपनी कोई असेट को मॉर्गेज नहीं किया है। डिबेंचर्स इश्यूड विदाउट एनी सिक्योरिटी और विदाउट चार्ज ऑन असेट इज कॉल्ड अनसिक्योर डिबेंचर, एंड दीस डिबेंचर्स आर वेरी रिस्की, क्योंकि अगर डिबेंचर के पैसे कंपनी यहां पे वापस करने के लिए मना कर रही है तो वो डिबेंचर होल्डर के पैसे जा सकते हैं। सो ये बहुत ही रिस्की है और इसीलिए ये अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहा जाता है। याद रखना ये जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर खरीदते हैं उन डिबेंचर होल्डर्स को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहा जाता है। देन जो सेकंड टाइप है दैट इज एज पर द रजिस्ट्रेशन और नेगोशिएबिलिटी ऑफ डिबेंचर, उसमें भी दो टाइप है। तो यहां पे रजिस्ट्रेशन या नेगोशिएबिलिटी में पहली टाइप है रजिस्टर्ड डिबेंचर, मतलब जो कंपनी की बुक में रजिस्टर्ड होते हैं। द नेम ऑफ दिस डिबेंचर होल्डर्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी, वो डिबेंचर जिनके होल्डर्स के नाम कंपनी की जो बुक होगी उसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। एंड कंपनी पेज इंटरेस्ट टू द होल्डर्स whose name appear in the books, और यहां पे कंपनी के बुक्स में मिस्टर ए का नाम दिख रहा है तो उस डिबेंचर का इंटरेस्ट कंपनी मिस्टर ए को देगी, मिस्टर जेड का नाम है तो मिस्टर जेड को देगी। एंड ट्रांसफर ऑफ दिस डिबेंचर रिक्वायर्स टू फॉलो द ट्रांसफर प्रोसेस। अब यहां पे मिस्टर ए के पास ये डिबेंचर है रजिस्टर्ड डिबेंचर, और वो अपने डिबेंचर फॉर एग्जाम्पल मिस्टर पी को देना चाहते हैं, तो यहां पे उनको ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस जो है वो पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। जबकि बैरर डिबेंचर किसे कहेंगे, तो देखो रजिस्टर्ड डिबेंचर यानी कि वो डिबेंचर जिनके होल्डर्स के नाम कंपनी के बुक्स में लिखे होते हैं, तो जिन डिबेंचर के होल्डर्स के नाम नहीं लिखे होते हैं कंपनी की बुक में उसे कहेंगे बैरर डिबेंचर। द नेम ऑफ दिस डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, तो फिर उसका होल्डर कौन, तो पर्सन हु पोजेस दिस डिबेंचर, जो बंदे के पास ये डिबेंचर होंगे
ये मतलब बैरर डिबेंचर, उसी को वो डिबेंचर का होल्डर कहा जाएगा। तो यहां पे दूसरा क्वेश्चन कि कंपनी इसके ऊपर का इंटरेस्ट किसे देगी, क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड में तो नाम ही नहीं लिखे हैं। तो कंपनी जब बैरर डिबेंचर इश्यू करती है तो उसके साथ वो डिबेंचर कूपन्स देती है, कूपन्स या टिकट जैसा समझ लो, एंड कंपनी पेज द इंटरेस्ट टू दोस पर्सन हु प्रोड्यूस दिस कूपन, मतलब जो ये कूपन देगा उसको कंपनी इंटरेस्ट देगी। और ये जो बैरर डिबेंचर होते हैं उसका ट्रांसफर जस्ट डिलीवरी से हो जाएगा। देखो अभी हमने देखा कि मिस्टर ए मिस्टर पी को डिबेंचर ट्रांसफर करना चाहते हैं जो कि रजिस्टर्ड डिबेंचर थे, तो उनको यहां पे पूरा प्रोसेस करना पड़ता जो ट्रांसफर का होता स्टेप बाय स्टेप वो। पर अगर नेकेड यहाँ पे बैरर डिबेंचर है तो मिस्टर ए अपने पास ये जो डिबेंचर का डॉक्यूमेंट है वो मिस्टर पी को दे देंगे, तो मिस्टर पी इसको ओनर कहलाएंगे। क्लियर? देन जो थर्ड टाइप है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब रिटर्न करना। तो रिटर्न के हिसाब से दो कैटेगरी है, एक रिडीमेबल डिबेंचर मतलब जिसको रिटर्न कर दिया जाएगा, एंड परपेचुअल या तो फिर इररिडीमेबल डिबेंचर। तो डिबेंचर्स आर रीपेड आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब डिबेंचर्स विच आर रीपेड टू द होल्डर्स आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज कॉल्ड रिडीमेबल डिबेंचर। चाहे वो 5 साल 7 साल 10 साल जितने भी टाइम के डिबेंचर हो, टाइम खत्म होगा डिबेंचर के पैसे वापस। जबकि परपेचुअल, परपेचुअल मतलब फॉरएवर ऐसा समझो, या फिर इररिडीमेबल डिबेंचर मतलब डिबेंचर्स हुज मनी आर नॉट रीपेएबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, मतलब जब तक कंपनी है तब तक, उनकी मर्जी जब होगी तब पैसे वापस करेंगे, वरना पैसे वापस नहीं करेंगे। दिस डिबेंचर्स आर रीपेड Only at the time of liquidation of company, liquidation मतलब जब company बंद हो रही है तब company इसके पैसे वापस करेगी। और आखिरी type है debenture का on the basis of conversion, conversion यानी कि convert करना। तो convertible होगा एक, मतलब जिसको convert किया जा सके, और दूसरा non convertible। तो देखो debentures which are converted into equity share or any other security is called convertible debenture। जो डिबेंचर को यहां पे हम लोग इक्विटी शेयर या कोई और सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे कहेंगे कन्वर्टिबल डिबेंचर। और कन्वर्टिबल डिबेंचर दो टाइप के होते हैं जिसके फुल फॉर्म आपको एमसीक्यू या वीएसक्यू में काम लग सकते हैं। एक होते हैं एफसीडी यानी कि फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर, और दूसरे है पीसीडी पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो जो डिबेंचर को कन्वर्ट किया जा सके वैसे कन्वर्टिबल डिबेंचर दो टाइप, पीसीडी यानी कि पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर, एफसीडी यानी कि फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर। और जो डिबेंचर को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम लोग मतलब कंपनी, डिबेंचर्स विच आर नॉट कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर और एनी अदर सिक्योरिटी इज कॉल्ड एनसीडी। एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। क्लियर? तो यहां पे हमारा टाइप्स ऑफ डिबेंचर वाला टॉपिक खत्म हुआ। एग्जाम ओरिएंटेड काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी के सभी चार टाइप और उसके अंदर आने वाले दो दो सब टाइप अच्छे से अपने माइंड में फिट कर दीजिए। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लो, इसके बाद जो टॉपिक नंबर 4, 5 और 6 है उसके मैंने यहाँ पे सेपरेट सेशन प्रोवाइड किए हुए हैं, क्योंकि ये जो 2021 की बोर्ड की एग्जाम है उसमें नहीं है। पर वो स्टूडेंट अगर नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो उसका सेपरेट सेशन है, और वो सारे के सारे सेशन मैंने साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के ऊपर रखे हुए हैं। और 2021 की एग्जाम के अलावा वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनके सब कुछ यहाँ पे प्रिपेयर करना ही है उनके लिए इसका पूरा सेपरेट सेशन भी अवेलेबल है, तो हम उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ये 2021 की एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो यहां पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा सीधा टॉपिक नंबर 7। जो लोग 2021 के अलावा की एग्जाम वाले हैं उनको ये 4, 5 और 6 नंबर के टॉपिक हमारे सेपरेट सेशन में कवर होते हैं। देखो अब हम लोग यहां पे बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज फॉर द डिबेंचर, जिसके अंदर हम लोग डिबेंचर के इश्यू और रिडम्पशन की एंट्रीज जो है वो डिस्कस करने वाले, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर ये आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो आपको बहुत बढ़िया से माइंड में फिट हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल 6 टाइप्स है डिबेंचर इश्यू और रिडम्पशन की एंट्री के, तो चलिए एक एक करके सारे जो मेथड्स है या पॉसिबिलिटीज है उसको डिस्कस कर लेते हैं।
तो देखो हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिसके अंदर जो मैंने कहा छह अलग अलग ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार। मतलब के सपोज डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए की, तो फेस वैल्यू 100 रुपए मतलब ये पार वैल्यू है, ये इश्यू भी पार पे हुए है यानी कि 100 रुपए पे और रिडीम भी 100 रुपए पे होते हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी। तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पे इश्यू की 2 एंट्री आएगी और रिडम्पशन की भी 2 एंट्री आएगी। अब अगर आपको एग्जाम में इश्यू और रिडम्पशन दोनों पूछा है तो टोटल 4 एंट्री लिखनी होगी, और सिर्फ इश्यू की पूछी है तो 2 एंट्री ही रिकॉर्ड करनी होगी। तो देखो पहले इश्यू की एंट्री, डिबेंचर्स इश्यूड एट पार, तो जब इश्यू करेंगे तो पैसे मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपीज इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर आपको एग्जाम्पल में जितने दिए हैं वो आप लोग याद रखना, ठीक है, कि यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स एग्जाम्पल में दिए हो उससे मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि मैं आपको एग्जाम्पल की प्रैक्टिस में करके दिखाने ही वाला हूं। और उसके बाद ये एप्लीकेशन के पैसों को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो ये पहली एंट्री में जो हमने क्रेडिट किया वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ट्रांसफर कहाँ होगा, ब्लैंक परसेंट डिबेंचर अकाउंट। अब ब्लैंक परसेंट क्यों, यहाँ पे परसेंटेज जो आपको एग्जाम्पल में कहे होंगे 8% की डिबेंचर है तो 8%, 10% का है तो 10%, 12% का है तो 12% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो फिर से एक बार, इश्यू की 2 एंट्री, पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10%। यहाँ पे हम लोग अभी सभी एग्जाम्पल के ये एंट्रीज को समझने के लिए 10% पकड़ के चलते हैं, बाकी आपको एग्जाम में जो दिया है वो परसेंटेज आप यहाँ पे लिखोगे, तो टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अब रिडेम्पशन के टाइम की 2 एंट्री, तो रिडेम्पशन के टाइम पे पहले तो रिडेम्पशन का टाइम हो गया है तो किसके पैसे लौटाने हैं, ये सेकंड एंट्री में जो हमने क्रेडिट किया था यानी कि डिबेंचर अकाउंट वो, तो उसको थर्ड एंट्री में यहां पे डेबिट करेंगे, तो 8% डिबेंचर या 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, इसके पैसे किसको रिटर्न करने हैं, डिबेंचर होल्डर्स को, तो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। और जब हम डिबेंचर होल्डर्स को एक्चुअली में पैसे पे करेंगे, पेड करेंगे, तो जो थर्ड एंट्री में क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहां पे हमारी चारों जर्नल एंट्री खत्म हो गई। आपको सिर्फ जो अमाउंट है इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर जो कि एग्जांपल में दिए होंगे बस वो मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख देनी है, बाकी जर्नल एंट्री यही रहने वाली है। फिर से एक बार, टोटल 4 जर्नल एंट्री, पहली इश्यू की 2, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और दूसरे में पहली एंट्री में जो क्रेडिट किया उसको डेबिट करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। फिर तीसरी एंट्री रिडेम्पशन के टाइम पे, उसमें जो सेकंड एंट्री में हमने क्रेडिट किया था वो डेबिट करेंगे, यानी कि 10% या ब्लैंक परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, और फाइनली जब उनको पेमेंट करेंगे तो थर्ड एंट्री में जो क्रेडिट किया था उसे डेबिट कर देंगे, यानी कि डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है, व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार, मतलब कि डिबेंचर की फेस वैल्यू यहां पे 100 रुपए है, कंपनी ने उसको इश्यू किया है 110 रुपए में, मतलब कि 100 रुपए डिबेंचर के है प्लस 10 रुपए का यहां पे प्रीमियम है, और रिडेम्पशन पार पे होने वाला है, मतलब कंपनी रिटर्न करेगी 100 रुपए ही। तो यहां पे एंट्री क्या होगी, तो अगेन इश्यू की 2 एंट्री, रिडेम्पशन की 2 एंट्री, तो इश्यू के टाइम पे कंपनी को पैसे मिलेंगे, कितने पैसे मिलने वाले हैं, तो कंपनी ने 110 रुपए में इश्यू किया है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 110 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110। अब जो पहली एंट्री में हमने क्रेडिट किया था उसे डेबिट कर देंगे यहां पे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 रुपीज, उसमें से जो यहां पे डिबेंचर की फेस वैल्यू है वो डिबेंचर अकाउंट में जाएंगे, तो टू ब्लैंक परसेंट डिबेंचर अकाउंट 100 रुपए और 10 रुपए प्रीमियम के है तो वो जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10 रुपए। ये याद रखना, डिबेंचर इश्यू करते वक्त जो प्रीमियम मिलता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाता है,
और शेयर इश्यू करते वक्त जो प्रीमियम मिलता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है। तो यहां पे एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 टू फेस वैल्यू 100 रुपए वो डिबेंचर अकाउंट में जाएंगे एंड 10 रुपीज प्रीमियम के वो जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। अब रिडेम्पशन की दो एंट्री, रिडेम्पशन की दो एंट्री में रिडेम्पशन पार पे करना है, मतलब सिर्फ ये पैसा जो डिबेंचर की फेस वैल्यू का है ये 100 रुपीज वही रिटर्न करने हैं, तो उसको यहां पे हम लोग डेबिट कर देंगे 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 क्योंकि रिडेम्पशन पार पे है। टू पैसा किसको देंगे, डिबेंचर होल्डर्स, तो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। और चौथी एंट्री जब एक्चुअली में पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? तो आप वीडियो को पॉज करके ये एंट्रीज को अच्छे से माइंड में फिट कर दीजिए। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी इस सेशन के अंदर हमको बाकी की चार इंपॉर्टेंट केसेस की एंट्री समझनी है और कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर जो हमारे दोस्त यहाँ पे ये सेशन को YouTube पे देख रहे हैं वो सेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर आप लोग ये पूरा सेशन अवेल करना चाहते हैं और सारी की सारी इंपॉर्टेंट स्मार्ट और कंसेप्चुअल लर्निंग वाली नोट्स चाहिए तो आप लोग Google Play Store पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दीजिए और अपना अकाउंट फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। और अगर इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारे इन नंबर्स पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको एक्सलेंट एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे कहीं से भी अवेल करना है तो साहस इंस्टीट्यूट आपको अलग अलग स्टडी के ऑप्शन देता है, जिसमें पहला है फिजिकल क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, जिसमें आप हमारे क्लासेस में आके लाइव हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ाई कर सकते हो सामने बैठ के। सपोज ऐसा है कि आप हमारे क्लास से कुछ दूर रहते हो या कोई और सिटी में रहते हो तो भी आपको हाईटेक कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन मिलेगा। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो साहस ई क्लासेस जो कि वर्चुअल लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, जिसमें आप कहीं से भी पूरे इंडिया में या इवन बाहर से भी कहीं से भी हमारे साथ लाइव पढ़ाई कर सकते हो। और ये कोई भी नॉर्मल ऑनलाइन लेक्चर्स आपने अटेंड किए होंगे उससे काफी अलग एक्सपीरियंस है, आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप मेरे सामने मेरे ये ई क्लासेस में ही बैठे हुए हो, डिजिटल क्लासरूम में ही आप बैठे हो, ऐसा फीलिंग मिलेगा। और तीसरा ऑप्शन है साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप। तीनों ही ऑप्शन में लोवेस्ट फीस पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और अगर पहले या दूसरे ऑप्शन में कोई स्टूडेंट जाता है तो उसको ये एप्लीकेशन का एक्सेस वैसे भी टोटली फ्री मिलता है। तो आप आज ही इसका बेनिफिट ले और इसके बारे में कुछ भी अधिक जानकारी चाहिए तो इन नंबर पे कॉन्टेक्ट करें और हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। यहाँ पे ये सेशन जो YouTube है उसके लिए खत्म हुआ है, हमारे जो एप्लीकेशन के यूजर्स है या हमारे स्टूडेंट्स है क्लास के उन लोगों के लिए सेशन चालू है। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड ऑप्शन डिस्कस करते हैं जो कि क्या है, व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। मतलब के फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर की यहाँ पे फेस वैल्यू है 100 रुपए, कंपनी ने डिस्काउंट पे इश्यू किया, डिस्काउंट पे इश्यू किया मतलब हम लोग मान लेते हैं कि कम प्राइस पे 95 रुपीज में डिबेंचर यहां पे पब्लिक को दिया है और रिडेम्पशन पार पे है।